उत्तराखंड में 5 जनजातियाँ मूल रूप से निवास करती हैं, जिनमें थारू, बोक्सा, भोटिया, जौनसारी और वनराजी हैं। अन्य सभी को छोड़कर सिर्फ वनराजी जनजाति ही ऐसी है जो अभी तक सबसे पिछड़ी और सबसे कम जनसंख्या वाली है। यह जनजाति उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के दूरस्थ जंगलों के बीच बसे गांवों में रहते हैं। इसके अतिरिक्त नेपाल के पश्चिमी अंचल में भी इनके कुछ छोटे गांव बसे हैं। हालांकि इनकी सर्वाधिक आबादी पिथौरागढ़ जिले में ही है, जहां पर डीडीहाट, धारचूला और कनालछेना विकास खंडों में इनके करीब 8 से 10 गांव हैं। वनराजी जनजाति जंगलों में रहने वाली जनजाति है, जिन्होंने अपनी पीढ़ियां गुफाओं में बिताई हैं। अब धीरे धीरे इनका रहन सहन तो अन्य लोगों जैसा होने लगा है, लेकिन अभी भी यह जनजाति विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है। 5 जनजातियों में से सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति के संरक्षण के लिए तमाम संगठन प्रयास कर रहे हैं। इन पर हुए शोध के अनुसार इस जनजाति के लोगों की औसत आयु 50 से 55 साल है। पिथौरागढ़ जिले में करीब 1500 लोग ही इस जनजाति में हैं। साक्षरता दर की बात करें तो इस जनजाति के लोगों में वो काफी कम है, जिस वजह से सरकार ने इन्हें सरकारी नौकरी में विशेष आरक्षण तो दे रखा है, लेकिन उसका फायदा भी इन्हें नहीं मिल पाता है। जंगलों के बीच गांव बनाकर रहने वाले यह लोग स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं, और सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं भी यहां धरातल पर कम ही दिखाई देती हैं। वनराजी जनजाति के संरक्षण को आगे आई जोहार सांस्कृतिक समिति डीडीहाट के सचिव नरेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि वनराजी जनजाति के तमाम परिवारों को अभी तक आरक्षित जनजाति का सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाया है, और सरकार की जितनी भी योजनाएं इस जनजाति के लोगों के लिए चली हुई हैं, उन्हें का लाभ इन्हें नहीं मिल पाता है, और लगातार घट रही इनकी जनसंख्या के कारण बताते हुए उन्होंने वनराजी जनजाति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की मांग भी की है। जनजाति है, इनकी जो जनरेशन है, इनकी जो मतलब जो ये लोग बहुत कम उम्र तक जीते हैं, इनकी ज़्यादा लंबी उम्र है। पुरुष जो है 40-50 तक और महिलाएं जो है मुश्किल से 50-60 तक, इससे ज़्यादा इनकी उम्र है नहीं। और इनकी जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। चमतड़ी के नीचे गाँव है, उस गाँव में किसी के पास जो जनजाति सर्टिफिकेट है नहीं। पे जो है प्रधानमंत्री योजना के तहत से 1,30,000 रुपये जो है हर गांव में जो मकान बनाने के लिए मिला, लेकिन उनको 30,000 मिला, 1,00,000 रुपये मिला नहीं। ऐसे ही छोटे मोटे काम है, उनसे जो है काम तो लेते हैं, लेकिन उनको क्या है कि कम पैसे कम खर्च में उनसे काम लेना चाहते हैं ठेकेदार लोग भी। तो इसलिए जो है मेरा यही निवेदन है कि उनको जो है उत्थान के लिए, उनके जो आगे बढ़ाने के लिए जो है सरकार जो योजना है उनके सीधे पहुँचे, और जो NGO के माध्यम से पहुँच रहा है वो भी उन तक नहीं पहुँच पाता है। अभी बीच में 2 गर्भवती महिलाओं का जो है वो एक्सपायर हो गए थे बेचारे। उनकी पहली बात तो छोटी उम्र में शादी हो जाती है, और उसके बाद छोटी उम्र में बच्चे होना, ये भी एक बड़ी पीड़ा है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा जो है उनके लिए क्या है, जूनाकोट गाँव तक है, जूनाकोट से आगे काफ़ी किलोमीटर दूर तक वो लोग रहते हैं, वहाँ पर उनके लिए कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। जूनाकोट आने तक उनको अपने खर्चे पर आना पड़ता है और अपने खर्चे पर सब करना पड़ता है। आगे बढ़ाने का कार्य करें और सरकार जो है सीधे उन तक जो है सुविधा पहुँचाएँ, ताकि जो उनको सुविधा मिल सके और वो बेचारे आगे आ सके, और एक जो जिनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है और उनकी जनसंख्या जो है पर नियंत्रण हो, और उनको जरा शिक्षा, रोजगार, सब कुछ, रोजगार बहुत बड़ी चीज़, रोजगार मिले सबसे बड़ी बात। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।